नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक कॉमन हाउसहोल्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, लिक्विड वर्सेस पाउडर डिटर्जेंट कौन सा बेहतर है। चाहे आप अपना वीकली कपड़े धो रहे हो या फिर स्टबर्न स्टेन से निपट रहे हो, लिक्विड और पाउडर डिटर्जेंट के बीच का चॉइस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। इस वीडियो में हम दोनों डिटर्जेंट टाइप्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि उनकी इफेक्टिवनेस, डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए सूटेबिलिटी, कॉस्ट, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और बहुत कुछ। तो अगर आप कभी लॉन्ड्री एसल में खड़े होकर सोच रहे हो कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो ये वीडियो देखिए जब तक हम इस सोपी मिस्टरी को सॉल्व करते हैं। वीडियो को कही पर भी मिस ना करें और खास करके फाइनल एनालिसिस अवश्य देखें। वीडियो डिस्क्रिप्शन में बेस्ट लॉन्ड्री लिक्विड डिटर्जेंट्स और लॉन्ड्री पाउडर डिटर्जेंट्स के कुछ ऑप्शंस हैं, उन्हें भी अवश्य देखें। तो फिर शुरू करते हैं जो जरूरी है। जब बात आती है लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स की, तो लिक्विड और पाउडर के बीच की लादी बहुत पुरानी है। लिक्विड डिटर्जेंट्स अपने प्री डिसॉल्व्ड रेडी टू गो नेचर के लिए फेमस है, जिसे वो कोल्ड वॉश साइकिल्स के लिए और स्टेन स्पीड डायरेक्टली यूज करने के लिए फेवरेट बेन जाते हैं। उनसे ज्यादा रेसिड्यू नहीं बटता, जो कि पाउडर डिटर्जेंट्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर हार्ड वाटर एरियाज में। दूसरी तरफ पाउडर डिटर्जेंट्स को अक्सर उनके इको फ्रेंडलीनेस के लिए अप्रिशिएटेड किया जाता है, क्योंकि वो कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं, जो कि लिक्विड डिटर्जेंट्स के प्लास्टिक बॉटल्स से ज्यादा रिसाइकलेबल होता है। वो परलोड ज्यादा इकोनॉमिकल भी होते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। लेकिन अगर पाउडर मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आए, तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो सकती है। ये चैप्टर आने वाले सेक्शंस में स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेस डिटेल कंपैरिजन के लिए बेस सेट करता है। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए लॉन्ड्री डिटर्जेंट का टाइप एक इंपॉर्टेंट चॉइस हो सकता है। लिक्विड डिटर्जेंट्स में अक्सर पाउडर डिटर्जेंट्स के कंपैरिजन में कम हार्श केमिकल्स और एडिटिव्स होते हैं, जो कि स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वो जनरली ज्यादा हिपोएलर्जेनिक होते हैं और उनमें मॉइस्चराइजर्स होते हैं, जो कि इनडायरेक्टली कपड़ों के थ्रू स्किन को कंडीशन करते हैं। लेकिन पाउडर डिटर्जेंट्स में ऑप्टिकल ब्राइटनर्स और दूसरे एडिटिव्स हो सकते हैं, जो कि स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, जिससे डर्मेटाइटिस या दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कंज्यूमर्स के लिए इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एलर्जेंस या इरिटेंट से बचा जा सके, खासकर अगर स्किन सेंसिटिविटी एक कंसर्न है। दोनों टाइप्स के डिटर्जेंट्स फ्रेग्रेंस फ्री या डाई फ्री ऑप्शंस में भी आते हैं, जो कि स्किन इरिटेशन के रिस्क को कम करते हैं। पाउडर डिटर्जेंट्स के कई ऐसे एडवांटेजेस हैं जो उन्हें बहुत लोगों के लिए अपीलिंग बनाते हैं। पहली बात, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत इंप्रेसिव है। उन्हें बिना इफेक्टिवनेस लूज किए ज्यादा टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, जब तक वो ड्राई रहे। यह उन्हें बल्क बायर्स के लिए एक आइडियल चॉइस बनाता है। साथ ही पाउडर डिटर्जेंट्स हेविली सोइल्ड लॉन्ड्री क्लीन करने में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, और हार्ड वाटर कंडीशंस में भी अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उनमें वाटर सॉफ्टनर्स होते हैं। इकोनॉमिकली वो अक्सर लिक्विड डिटर्जेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा वॉशेस पर पैक ऑफर करते हैं, जिसे वो लार्ज हाउसहोल्ड्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव बन जाते हैं। उनका ग्रैनुलर टेक्सचर टफ स्टेन्स को प्री ट्रीटमेंट पेस्ट की तरह यूज करने पी स्क्रब आउट करने में भी हेल्प करता है। जिन लोगों को एनवायरमेंटल इंपैक्ट की चिंता है, उनके लिए पाउडर डिटर्जेंट्स के मिनिमल पैकेजिंग वेस्ट एक बड़ा प्लस पॉइंट है। जब बात आती है क्लीनिंग पावर की, तो पाउडर डिटर्जेंट्स अक्सर लिक्विड से आगे निकल जाते हैं, खासकर ग्राउंड इन डर्ट और हैवी स्टेन्स के केस में। इसका रीजन उनकी फॉर्मुलेशन है। पाउडर्स में ब्लीच और बिल्डर्स जैसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, जो कि डिटर्जेंट की डीपली क्लीन करने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। जिन फैमिलीज में बहुत आउटडोर स्टेन्स या हेविली सोइल्ड वर्क क्लोथ्स होते हैं, उनके लिए पाउडर्स ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सही अमाउंट यूज किया जाए, ताकि कपड़ों पे रेसिड्यू ना बचे, जो कि पाउडर्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है अगर वो प्रॉपरली डिसॉल्व ना हो। इसका सॉल्यूशन यह है कि वॉशिंग मशीन सही तरीके से लोड किया जाए और पाउडर को कपड़ों से पहले पानी में अड किया जाए, ताकि वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो सके। जहां लिक्विड डिटर्जेंट्स के अपनी एडवांटेजेस है, वहां उनके कुछ ड्रॉबैक्स भी है।
एक बड़ा इश्यू यह है कि उन्हें ज्यादा यूज करने की टेंडेंसी होती है, जिसे वो जल्दी खत्म हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में ज्यादा एक्सपेंसिव पार्टें हैं। वो वॉशिंग मशीन में मोल्ड और मिल्ड्यू के बिल्डअप में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि वो लिक्विड होते हैं जिसे रेसिड्यू बचने पे एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एनवायरनमेंटली लिक्विड डिटर्जेंट्स की प्लास्टिक पैकेजिंग पाउडर्स कई कार्डबोर्ड बॉक्सेस से काम सस्टेनेबल होती है। साथ ही लिक्विड डिटर्जेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना उनके वेट और वॉल्यूम की वजह से कम एफिशिएंट होता है, जिससे पाउडर डिटर्जेंट्स की कंपैरिजन में ज्यादा कार्बन एमिशंस होते हैं। जिन लोगों को एनवायरमेंटल इंपैक्ट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट की चिंता है, उनके लिए ये फैक्टर्स कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी के परस्पेक्टिव से पाउडर डिटर्जेंट्स लिक्विड से ज्यादा बेनिफिट्स ऑफर करते हैं। उनसे एक्सीडेंटल स्पिलेजेस होने की चांसेस कम होते हैं, जो कि एक बड़ा हजार्ड हो सकता है, खासकर जिन घरों में छोटे बच्चे हो। साथ ही अगर पैकेज खराब हो जाए तो पाउडर डिटर्जेंट्स को कंटेन करना आसान होता है लिक्विड्स की ऑपोजिट, जो कि जल्दी स्प्रेड हो सकते हैं और स्लिप हैजर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरेज एक और एरिया है जहां पाउडर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो टेम्परेचर चेंजेस से डिग्रेड होने के लिए कम प्रोन होते हैं और उन्हें कोई स्पेशल हैंडलिंग कंडीशंस की जरूरत नहीं होती। कुछ लिक्विड डिटर्जेंट्स के ऑपोजिट, जो कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में अपनी इफेक्टिवनेस लूज कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि दोनों टाइप्स के डिटर्जेंट्स को बच्चों और पेट्स की रीच से दूर रखा जाए और ये इंश्योर किया जाए कि उन्हें ड्राई कंडीशंस में स्टोर किया जाए ताकि उनकी इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे। हमारे फाइनल एनालिसिस में कॉस्ट इफेक्टिवनेस लिक्विड और पाउडर डिटर्जेंट्स के बीच डिसाइड करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। पाउडर्स जनरली पर यूनिट कॉस्ट ज्यादा वॉशेज ऑफर करते हैं, जिसे वो बजट कॉन्शियस कंस्यूमर्स और लार्ज फैमिलीज के लिए आइडियल बन जाते हैं। लेकिन लिक्विड डिटर्जेंट्स की कन्वीनियंस और प्रिसीजन डूसिंग उनकी हाई प्राइस को जस्टिफाई कर सकते हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट के ई टर्म्स में एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, स्किन सेंसिटिविटी और क्लीनिंग एफिशिएंसी जैसे फैक्टर्स को कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। दोनों फॉर्म्स के ई अपने प्रोज एंड कॉन्स है और बेस्ट चॉइस अक्सर इंडिविजुअल नीड्स और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। अपने हाउसहोल्ड की स्पेसिफिक लॉन्ड्री रिक्वायरमेंट्स को कंसिडर करना ना भूलें और शायद दोनों टाइप्स को अल्टरनेट करना भी एक बैलेंस्ड सॉल्यूशन हो सकता है। लिक्विड वर्सेस पाउडर डिटर्जेंट्स के बारे में इस डिटेल एक्सप्लोरेशन को देखने के लिए धन्यवाद। ह्यूमेन उम्मीद है कि यह गाइड आपको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस बनाने में हेल्प करेगी, जो कि आपके हाउसहोल्ड नीड्स के लिए सूटेबल हो। याद रखिए, हर दिन ब्लेसेड होने और अपना बेस्ट करने का एक अच्छा दिन है। प्लीज लाइक, शेयर और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताइए और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। बेस्ट लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स को बेस्ट प्राइसेस पे खरीदने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स चेक करें। स्टे ब्लेसेड और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।